लोग कुछ भी कर जाते हैं, लेकिन कभी कभी प्यार में कुछ ऐसा हो जाता है कि लोग उसे कभी भूल नहीं पाते और उनकी रूह तक कांप जाती है। ऐसी ही कहानी है रेहान और नैना की। रेहान और नैना रात के समय एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए अपनी कार में टूरिस्ट स्पॉट पर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें बर्मन के रास्ते से गुजरना था। उस टूरिस्ट स्पॉट का नाम था शिनो ब्रिज। रात का समय था, रेहान अपनी गर्लफ्रेंड नैना के साथ अपनी कार चला रहा था। तभी वो देखता है कि एक लड़की रास्ते में अपना सर नीचे किए हुए सफेद कपड़ों में बैठी हुई है। रेहान ने उसे दूर से ही देख लिया और जब वो ब्रिज के पास आया तब उसने अपनी गाड़ी रोक ली। थोड़ी देर बाद जब वो अपनी कार से नीचे उतरता है और उस लड़की के पास जाने की ओर अपना कदम बढ़ाता ही है कि तभी वो देखता है कि सामने कोई लड़की है ही नहीं। वो थोड़ा अचंभित हो जाता है। अरे, यहाँ पर तो कोई लड़की बैठी हुई थी, अचानक से कहाँ जा सकती है? रेहान, क्या हुआ? तुम कार के बाहर खड़े होकर क्या सोच रहे हो? तुमने उस लड़की को देखा क्या जो सामने सफेद कपड़ों में अपनी गर्दन झुकाए बैठी थी? रेहान नैना से ये बात पूछता है कि तभी उसके कानों में भयानक सी आवाज आती है। कौन सी लड़की? यहाँ कोई लड़की नहीं थी। और तुम किस लड़की से मिलने गए थे? रेहान डर जाता है और एकदम से वो नैना की तरफ मुड़कर देखता है। रेहान ने जो अपनी गर्लफ्रेंड नैना में देखा उसे देखकर उसके पसीने छूट गए, क्योंकि नैना की जगह एक भयानक चुड़ैल बैठी हुई थी। उसकी गर्दन एक तरफ टेढ़ी हो रखी थी, उसके हाथ पैर उल्टे थे। ये देखकर रेहान अपना होश खो बैठता है। वो भयानक चुड़ैल रेहान से पूछती है, तुम मुझे उस दिन मिलने क्यों नहीं आए थे जिस दिन मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी? रेहान बहुत डरा हुआ था और अपनी गाड़ी से उतरकर बाहर जाने की कोशिश करने लगा कि तभी उसका पैर फिसल गया और वो गाड़ी के दरवाजे से टक्कर खाकर नीचे गिर गया, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। उसकी आंखें अगले दिन हॉस्पिटल में खुली। उसके शरीर पर काफी निशान थे। नैना उसके पास ही बैठी हुई थी। रेहान ने उससे पूछा, नैना, पिछली रात क्या हुआ था? मुझे कुछ याद नहीं। रेहान, तुम बहुत अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे। कभी तुम खुद को मार रहे थे तो कभी सर पटक रहे थे। उन दोनों के पास एक नर्स खड़ी थी। उन दोनों की बातें सुन नर्स ने पूछा, क्या आप बर्मन के रास्ते से जा रहे थे? नैना ने अपना सर हिलाते हुए हाँ कहा। क्या आपको नहीं पता वो एक हॉन्टेड रोड है? ऐसा माना जाता है कि वो कोई मामूली रोड नहीं है बल्कि एक खूनी रोड है। उस रोड पर जो भी जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता, और अगर कोई गलती से जिंदा वापस आ भी जाता है तो वहाँ की चुड़ैल उसे ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने देती। माना जाता है कि वहाँ पर एक सुहानी नाम की लड़की एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी फैमिली उस लड़के के खिलाफ थी। और सुहानी अपने प्यार से बोलती है, अनुभव, हमारी फैमिली एक दूसरे के लिए राजी नहीं हो रही। हम साथ जी नहीं सकते तो क्या, कम से कम साथ मर तो सकते हैं। तुम आज शाम को आना, मैं इस रोड पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। शाम को सुहानी उसका इंतजार करती रही, लेकिन अनुभव वहां पर नहीं आया। और थोड़ी देर बाद सुहानी ने अनुभव को उस रोड पर किसी और लड़की के साथ देख लिया और सुहानी से ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो सका। उसने अपना गला काट लिया और अपनी जान उसी रोड पर दे दी। कहा जाता है कि सुहानी ने अपना शरीर तो वहां पर छोड़ दिया, लेकिन उसको अपने प्यार से धोखा मिला था, इसलिए सुहानी नाम की चुड़ैल वहां से आने जाने वाले हर इंसान को मार देती है। हालांकि उसने उस लड़की को भी भयानक मौत दे दी जिस लड़की को उसने अनुभव के साथ देखा था, और आज भी वो दोनों चुड़ैल अनुभव का इंतजार कर रही है क्योंकि उन दोनों को ही अनुभव ने धोखा दिया था। पर ये तुम्हें कैसे पता? नर्स उसकी बातों का जवाब नहीं देती और वहां से हंसते हुए चली जाती है। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और रेहान को अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था। वो अपनी कार में बैठकर अपने घर की तरफ जाने लगता है कि तभी उसकी कार के सामने एक औरत फिर से आ जाती है, और इस बार वो औरत नैना को भी दिख रही थी। नैना हॉर्न मारती जा रही थी, लेकिन वो औरत उसकी कार के सामने से हट नहीं रही थी। ये देखकर नैना को गुस्सा आ गया और कार से उतरकर उस औरत के पास जाती है। जैसे ही वो औरत का हाथ खींचती है और नैना उस औरत के चेहरे की तरफ देखती है तो बिल्कुल शांत और सीधी खड़ी हो जाती है। ये थोड़ा अजीब था, इसलिए रेहान अपनी कार से उतरकर अपनी गर्लफ्रेंड नैना के पास जाता है। नैना,
नैना तुम ठीक हो? नैना उसकी तरफ पलटती है और वो देखता है कि नैना की आंखें बिल्कुल खून के जैसे लाल हो जाती है। ये देखकर रेहान बहुत ही ज्यादा डर जाता है और भागने लगता है। तभी नैना के अंदर चुड़ैल प्रवेश कर जाती है। तुम कहाँ जा रहे हो रेहान? उस दिन तो तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था, लेकिन आज मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। रेहान उससे अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था, लेकिन चुड़ैल ने उसके ऊपर दया नहीं दिखाई और हंसने लगी। हंसते हुए वो उससे बोलती है, उस दिन तो तुमने मुझे धोखा दे दिया मुझसे वादा करके कि तुम मेरे साथ मरोगे, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं बल्कि इस लड़की के साथ भी तुमने धोखा किया। तुम्हें क्या लगा कि तुम अपना नाम और पहचान बदल लोगे तो क्या मैं तुम्हें नहीं पहचान पाऊंगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता राज उर्फ अनुभव। मैं तुम्हारा सालों से इंतजार कर रही थी, आखिरकार तुम मेरे हाथ लग ही गए। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सुहानी, मुझे माफ कर दो। मेरा प्यार तुम या मीना नहीं बल्कि नैना थी, इससे शादी करने वाला हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। हाँ मैं तुम्हें छोड़ देती, लेकिन तुम फिर से किसी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा लोगे और उसके साथ भी वही करोगे जो मेरे साथ किया, इसलिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। मैं इस लड़की की जिंदगी तुम्हारे हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगी। इतना कहकर वो भयानक चुड़ैल रेहान की गर्दन पकड़ के तोड़ देती है और उसके धड़ से उसकी गर्दन को अलग कर देती है, जिसके बाद चुड़ैल उसके हाथ और पैर को भी उसके शरीर से अलग करके उसे रोड पर फेंक देती है और हंसते हुए खुद से बोलती है, आज मैं मुक्त हो जाऊंगी क्योंकि आज मैंने धोखेबाज को मार दिया। इतना कहकर चुड़ैल रेहान के शरीर को छोड़कर चली जाती है और जाते जाते वो चुड़ैल नैना के पास एक चिट्ठी छोड़ जाती है जिसमें रेहान उस अनुभव और सुहानी मीना का पूरा सच था। जब नैना को अगली सुबह पुलिस हॉस्पिटल लेकर जाती है तब उससे पूछताछ होती है, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं था। सबूत के तौर पर पुलिस को वो चिट्ठी मिली। कुछ लोग इस घटना को सच बताते हैं तो कुछ लोग इसको एक कहानी के तौर पर ले जाते हैं, लेकिन इसका सच तो केवल नैना को ही पता था। नैना अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई थी और खुशी से वो अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर बैठी। पीरियड वाली चुड़ैल। रात का समय था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, चारों तरफ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। इसी दौरान शीला नाम की लड़की के पेट में रात के समय दर्द हो रहा था। तभी वो उठकर देखती है। अरे ये क्या, मेरे बेड पर खून कैसा लगा हुआ है? हे भगवान, कहीं ये मासिक धर्म वाले बीमारी तो नहीं हो गई मुझे? मैं तो किसी को बता भी नहीं सकती, अब क्या करूं? वो खुद से बात कर ही रही होती है कि इतने में शीशे में उसे किसी की परछाई दिखाई देती है। उस परछाई को देखकर शीला डर जाती है। वो बच के भागने की कोशिश कर ही रही थी कि इतने में चुड़ैल उसके सामने आ जाती है, जिसके लंबे काले खुले बाल और भयानक चेहरा होता है। चुड़ैल खूब तेज तेज हंस रही होती है और उसको अपने भूतिया जादू से हवा में उड़ा देती है। जैसे ही भूतनी उसको हवा में उड़ा देती है तभी शीला बेहोश हो जाती है और चुड़ैल उसको अपने साथ दूर घने जंगल में एक गुफा में ले जाती है। अब मुझे सिर्फ दो लड़कियों की जरूरत है, उसके बाद मैं उन्हें चुड़ैल बना दूंगी और इस पूरे गांव में हर उस इंसान से बदला लूंगी जिसकी वजह से मैं मरी हूं। इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और अगली सुबह गांव वाले आपस में बात करते हैं। अरे भैया देखा तो, ये शीला गायब हो गई है।
हाँ भैया देखो तो, एक बिस्तर पे कुछ खून के दाग भी है। पता नहीं भैया कहाँ गई हमारे गांव की बिटिया। थोड़ी देर बाद सभी लोग अपने अपने घरों में चले आते हैं और कुछ समय बाद रात हो जाती है। एक बार और चुड़ैल गांव में आती है और इस बार दो लड़कियों को उठा कर ले जाती है। उस चुड़ैल के पास अब 5 लड़कियां हो चुकी थी। देखते ही देखते चुड़ैल सभी 5 लड़कियों को चुड़ैल बना देती है और अपने सभी चुड़ैलों के साथ वो गांव में घूमने लगती है। घूमते हुए चुड़ैलों की रानी उन सभी चुड़ैलों से बोलती है, मेरे सभी चुड़ैलों, अब हम सब उन सभी को मार देंगे जो सोचते हैं कि महिला पीरियड के समय घर के अंदर नहीं आ सकती, या कुछ तो ये भी सोचते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते और ऐसी हालत में हम साथ रह नहीं सकते। हाँ बहन, हम उन सभी आदमियों को या उन सभी रूढ़ीवादी सोच के लोगों को मार देंगे जो महिला को किसी से कम समझते हैं। इतना कहकर वो सभी 5 चुड़ैल गांव में घूमने लगी। तभी उसको भीमा नाम का एक आदमी दिखाई देता है। चुड़ैल को देख वो बोलता है, बाप रे बाप, ये तो चुड़ैल है, लागत है हमका भागे के पड़ी। चुड़ैल को देखकर भीमा भागने की कोशिश करने लगता है। उसको भागता हुआ देखकर चुड़ैल भीमा को हवा में उड़ा देती है और बहुत तेज हंसने लगती है। अब कोई भी नहीं बचेगा, मैं सबको मार दूंगी। चुड़ैल के इतना बोलते ही तभी वहां बाकी की चुड़ैल भी आ जाती है और उस भीमा के टुकड़े टुकड़े करके खा जाती है। देखते ही देखते समय बीतने लगता है और अब ऐसे ही गांव में आए दिन लाशें मिलने लगी। ये सब देखकर एक गांव वाला मुखिया से बोलता है, मुखिया जी, ये हम लोगन के गांव में कैसी भयानक मौत होवत है। पता नहीं भैया ये का होत है। भैया पहले गांव में लड़कियां गायब हो रही थी, लेकिन अब तो लाशें मिल रही है। मुखिया जी क्यों ना हम इसका पता लगाएं? पर वो कैसे? ये जो गांव में लाशें मिल रही है ना, ये कोनो भूत का काम लागत है, हम लोगन को बाबा के पास जाए के पड़ी। हाँ तुम सही बोल रहे हो, रात को हम एगो पेड़ के पीछे छुप के देखेंगे कि आखिर कौन मार रहा है सबको। वो सब बात करते करते अपने घर के अंदर चले जाते हैं और एक बार फिर रात को वो सारी चुड़ैल अपने शिकार के लिए निकलती है और सभी गांव वाले पेड़ के पीछे खड़े होकर उन सभी चुड़ैलों को देखकर गांव वाले डर जाते हैं। कि तभी गांव का एक आदमी वहां तांत्रिक को लेकर आता है। तांत्रिक की नजर चुड़ैल के ऊपर पड़ती है और तांत्रिक अपने मंत्र शक्तियों से चुड़ैल को अपने वश में कर लेता है और उससे पूछता है, कौन है तू? बता कौन है तू और आखिर इन सभी मासूम लोगों को क्यों मार रही है? नहीं बताऊंगी मैं तुझे नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी? नहीं बताऊंगी। और तू मेरे रास्ते से हट जा, वरना तू भी मारा जाएगा। तू मुझे मारेगी? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। इतना कहकर वो चुड़ैल के ऊपर भभूत डाल देता है और चुड़ैल दर्द से कराहने लगती है। ए गवार, तूने क्या डाल दिया? अरे अरे अरे, मैं मर गई, बहुत जल रहा है। अब तू सच बताएगी या मैं तुझे भस्म कर दूं? बताती हूँ। सीमा के पेट में दर्द था, उसकी माँ नहीं थी। उसकी माँ का देहांत 1 साल पहले ही हो गया था। वो अपने पिता के पास जाती है। पिताजी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं क्या करूं? और तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वो दरअसल पिताजी, मुझे पीरियड्स हो रही हैं, शायद इस वजह से। इतना सुनते ही सीमा के पिता उससे गुस्से में बोलते हैं, बाप रे बाप, तुझे मासिक बीमारी है, छी छी छी, हट, दूर हट, हम लोगों से बिल्कुल दूर हट। पर पिताजी, मुझे दर्द हो रहा है बहुत, और आप मुझे घर से निकाल रहे हो। तुझे ये बीमारी है ना, और अब तू इस घर से दूर सामने वाली कोठरी में ही रहेगी।
क्योंकि मासिक बीमारी जिसको होती है वो हर लड़की कोठरी में रहती है। बेचारी दर्द में रो रही होती है, वही दूसरी एक और औरत आती है और उसको खींचकर कोठरी में डाल देती है। बेचारी सीमा की हालत बहुत ही खराब होती जा रही थी और दर्द की वजह से बेचारी सीमा की मौत हो गई। फ्लैशबैक से बाहर, मैं दर्द में तड़पती रही लेकिन किसी ने भी मेरी ना सुनी और गांव की रूढ़िवादी प्रथा की वजह से मेरी मौत हो गई। अब मैं उन सभी को मार दूंगी जिसने भी मुझे या बाकी महिलाओं को पीरियड्स को एक बीमारी का नाम दिया है। और इसलिए मुझे एक ग्रुप की जरूरत थी, इसीलिए मैंने लड़कियों को अपनी तरह चुड़ैल बना दिया। हाँ, तुम्हारे साथ बहुत ही गलत हुआ है मैं मानता हूँ, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ जो तुम्हारे साथ हुआ है वो अब किसी के साथ नहीं होगा। नहीं जाऊंगी। उसकी ये जिद देखकर तांत्रिक को गुस्सा आ गया और तांत्रिक चुड़ैल की रानी के ऊपर पवित्र जल छिड़क देता है, जिसके बाद चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। और जैसे ही चुड़ैल की रानी भस्म होती है वैसे ही बाकी की चुड़ैल भी भस्म हो जाती है और अब वो पूरा गांव उस चुड़ैल के चंगुल से आजाद हो जाता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब उस गांव में वो रूढ़िवादी सोच और प्रथा दोनों ही खत्म हो चुकी थी और सभी लड़कियां पूरे सम्मान के साथ अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। चांद की चोरी। बलरामपुर गांव में भीखू अपनी बीवी मालती और बेटे अर्जुन के साथ रहता था। भीखू बहुत ही गरीब था, छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करता था। आ गए आप, आज देर कर दी आने में। आज जमींदार ने अपनी मालिश के लिए रोक लिया था। अच्छा जी, कभी मेरी मालिश तो की नहीं। अरे तुम्हारे लिए तो मैं चांद तोड़ के लाऊं। बस बस रहने दो, बड़े आए चांद तोड़ने वाले, हाथ भी ना लगा पाओ। चांद तोड़ने की बात तो बहुत दूर की है। अच्छा ये बात है, चलो मैं जल्द ही तुम्हें चांद ला कर दूंगा। अगले दिन भीखू जंगल में लकड़ी ढूंढने जाता है, तभी उसे झाड़ियों में से एक अजीब सा दिखने वाला चिराग दिखाई देता है। भीखू चिराग को उठाकर अपनी धोती से पूछने लगता है, तभी उसमें से एक जिन निकलता है। कौन हो तुम? तुम मुझे मारना मत। आप तो मेरे आका हैं, भला मैं आपको कैसे मार सकता हूँ? क्या आका? वो क्या होता है? मैं जिन हूँ जिन, मैं यहाँ काफी सालों से कैद था। आपने जब इस चिराग को रगड़ा तो मैं यहाँ से बाहर निकला। अब आप जो बोलोगे मैं आपके लिए वही करूँगा। बोलो मेरे आका। अच्छा तुम मेरे लिए चांद ला सकते हो? जो हुकुम मेरे आका, आज रात को चांद आपके हाथों में होगा। और जिन रात को आसमान से चांद लाकर भीखू को दे देता है। ओ अर्जुन की अम्मा, देखो मैं तुम्हारे लिए चांद लाया हूँ। क्या चांद? आप सच कह रहे हो? ये तो बहुत सुंदर है, हम इसको एक दो दिन अपने पास ही रखेंगे। ये सब जमींदार देख रहा था, उसके मन में लालच आ जाता है। वो मालती और भीखू के सोने के बाद उनके घर से चांद को चोरी कर ले जाता है। तभी गांव का एक आदमी रामू अपनी खिड़की से बाहर देखता है। अरे भाई, आज बाहर इतना अंधेरा क्यों है? कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। देखते ही देखते गांव के लोग बाहर आ जाते हैं। अरे देखो भाइयों, गांव में कितना अंधेरा हो गया, चांद कहीं नजर ही नहीं आ रहा, बादल भी नहीं है जो उनकी वजह से चांद छिप गया हो। तभी भीखू मालती और उनका बेटा अर्जुन भी आवाज सुनकर बाहर आ जाता है। क्या बात है भाई लोग, इतना शोर काहे मचा रहे हो? भीमा उसे चांद वाली बात बताता है। चांद चोरी नहीं हुआ है भाइयों, चांद तो मेरे घर में है, दो दिन के लिए रखा है, दो दिन बाद चांद को आसमान में ही छोड़ दूंगा। क्या चांद तुम्हारे पास है? ऐसे कैसे हो सकता है, दिखाओ तो जरा। तभी सबकी नजर उसके घर के आंगन में खड़े जिन पर पड़ती है। जरूर इसी जिन से आसमान में से चांद मंगवाया होगा, ये सब इसी की करामत है। हाँ तो क्या हुआ,
बोला तो 2 दिन में चांद को वापस छोड़ देंगे। हमें भी चांद देखना है। जैसे ही सब चांद देखने जाते हैं वहाँ से चांद गायब हो जाता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बताओ तुमने चांद को कहाँ रखा? मैंने तो चांद को यही रखा था, पता नहीं कौन ले गया चांद को। तुम चुप करो, ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो। भाइयों, हम इसे 2 दिन का टाइम देते हैं, अगर इसने चांद नहीं दिया तो हम इसे पुलिस के हवाले कर देंगे। ये सुनकर सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। सही है, मैंने 2 दिन का बोल दिया, इतने में मैं इस चांद को अच्छे दाम में बेच दूंगा, फिर मैं और अमीर बन जाऊंगा। अब हम क्या करें, मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी। और इसी सोच में सब सो जाते हैं। तभी अर्जुन उठकर पूरे गांव के घरों में झांकता हुआ घूमता है और जमींदार के घर से उसे तेज रोशनी आती दिखती है। ये जमींदार अंकल के घर से इतनी तेज रोशनी कहाँ से आ रही है? चलो चुपके से घर में जाकर देखता हूँ। अर्जुन घर में घुसकर देखता है। अच्छा, तो चांद इस जमींदार ने चुराया था। तभी जमींदार फोन पर किसी से बात करता है। तुम कल तक कैसे भी करके ये चांद मुझसे खरीद लो, वरना अगर गांव के लोगों को ये बात पता चल गई, तो ये चांद तुम्हें नहीं मिल पाएगा। अर्जुन उसकी बात सुनकर सभी गांव वालों को चांद की चोरी की बात बताता है। क्या, चांद जमींदार ने चुराया है? चलो सब मिलकर उनके घर चलते हैं। सब मिलकर जमींदार के घर जाते हैं। जमींदार साहब, हमें पता चला है कि चांद की चोरी आपने की है। नहीं नहीं, किसने कहा? आप लोग इनके घर के अंदर की तलाशी लो। गांव वाले जब घर की तलाशी लेते हैं तो उन्हें चांद वही मिलता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। माफी तो आपको भीखू से मांगनी चाहिए। जमींदार भीखू से माफी मांगता है और पुलिस से बचने के लिए उसे खेती करने के लिए अपने खेत और बहुत सारे पैसे भी देता है, ताकि भीखू खेती करके अपना जीवन अच्छे से बिता सके। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, जैसे जमींदार अमीर बनने के चक्कर में अपने ही खेत और पैसे गवा बैठा। तो कैसी लगी ये कहानी? हमारी कहानी को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके।